हेलो दोस्तों, आप सभी का ये मीमेकर में स्वागत है। आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी प्याज और आलू के पकोड़े। ये पकोड़े तेल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए ना तो हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे और ना बेकिंग पाउडर का, लेकिन इसके बाद भी ये इतने ही क्रिस्पी बनेंगे जैसे मार्केट में मिलने वाले पकोड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इसके साथ ही लिया है 2 मीडियम साइज का आलू। मैंने छील के इन सभी को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब प्याज को काट लेंगे लंबे स्लाइसेस में। आप चाहें तो प्याज को छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन पकोड़ों का मजा तो लंबे वाले प्याज के स्लाइस से ही आता है। प्याज को ज्यादा पतला नहीं काटेंगे, बस मीडियम साइज में से हम काट लेंगे। सभी प्याज अच्छे से कट चुकी हैं। प्याज को हाथ से इस तरीके से मैश कर लेंगे कि जो प्याज है वो एक एक अलग हो जाए और आपस में चिपकी ना रहे। प्याज सभी अच्छे से अलग हो गई है। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिना मैश किए हुए प्याज के जब हम पकोड़े बनाते हैं तो वो बिल्कुल चिपके चिपके से बनते हैं, वो इतने खिले हुए पकोड़े नहीं बनते हैं। अब आलू को भी काट लेंगे। आलू को पहले इस तरीके से हम काट लेंगे बीच से। अब इस तरह से लंबे से इसमें चीरा लगा लेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हमें आलू काटना है और पतले पतले साइजेस में आलू काटना है। अगर आलू मोटे रहेंगे तो जब हम पकौड़े बनाएंगे तो कुछ आलू उसमें से कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आलू को पतले स्लाइस में ही काटिएगा। आलू भी कट चुके हैं पकौड़ों के लिए, इन्हें साइड में रख देते हैं। अब लेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 कलियां लहसुन के। लहसुन, अदरक और मिर्च को हम रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे कूट के पकौड़े में डालना है, इसलिए हम रफली ही इसे काट लेंगे। मार्केट की पकौड़े या भजिया हमें बहुत पसंद आती, वो अक्सर अदरक, लहसुन और मिर्च को इसी तरीके से कूट के पकौड़ों में डालते हैं, जिससे कि वो बहुत ही चटपटा हो जाता है। सब कुछ मैंने रफली काट लिया है, अब इनको कर देंगे साइड में। अब धनिया काट लेंगे हम बारीक। धनिया के बिना तो पकौड़ों का टेस्ट ही अधूरा सा लगता है। अगर आपके पास धनिया के साथ साथ पुदीना भी हो तो उसे भी थोड़ा सा काट के आप डाल सकते हैं, इससे पकौड़ों का टेस्ट और बढ़ जाएगा। धनिया भी अच्छे से कट चुकी है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं कटी हुई प्याज को डाल दूंगी सबसे पहले। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आलू, इसको भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हरी धनिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, मिर्च और लहसुन जिसे मैंने कूट लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर के साथ ही डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे आपस में। मैंने इसमें मोयन नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब थोड़ा सा पानी हाथ में लेके इस तरीके से डाल देंगे। ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालना है। अगर इसमें पानी हम ज्यादा डालेंगे, ठंडा होने के बाद ये पकौड़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा सूखा लग रहा है, इसे थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे, बस थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें मैं इसको अच्छे से मिला के देख लेते हैं कि और पानी की जरूरत है कि नहीं। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गया है। बस ऐसा ही हमें बना के इसे तैयार करना है, इससे ज़्यादा गीला हमें इसका बैटर बना के तैयार नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गया है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच तिल, जिसे मैंने भून लिया है हल्का सा, इसको इसमें डाल देते हैं और इनके साथ तिल को भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तिल खाने में तो बहुत फायदेमंद होता ही है। जब इसे हम पकौड़ों में डाल के बनाते हैं तो पकौड़ों में भी ये बहुत टेस्टी लगता है और पकौड़ों का टेस्ट बढ़ा देता है। एक पैन में तिल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और पकौड़े वाले बैटर को इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। पकौड़ों को शेप बना के नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही रफली ऊपर से हम डालते जाएंगे, जैसे मार्केट वाले पकौड़े और भजिया होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर से इसे हम इसी तरीके से डालते जाएंगे।
2 मिनट तक इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से पक जाए। 2 मिनट का समय हो गया है, अब इसको इस तरह से चला के पलट लेते हैं। पकौड़ों में आप आलू की जगह चाहें तो फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल गोभियों को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिएगा, वो आलू जितना ही खाने में वो भी टेस्टी लगता है। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, गैस का फ्लेम बहुत हाई मत रखिएगा, उसे मीडियम आंच पे ही हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे पकौड़ा ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा, ये ठंडा होगा तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेगा। पकौड़ों को हम मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए पकाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है और ठंडा होने के बाद भी ये बिल्कुल क्रिस्पी रहता है। इसमें हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है जिसकी वजह से ये तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। पकौड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी कितना बढ़िया है, देखने से ही ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है। इसको लगातार चलाते हुए बस थोड़ी देर तक इसको और फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आलू और प्याज के पकौड़ों की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। पकौड़ों को और भी टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।